करेंगे। अगर यहां से हमें फल खट्टा मिलेगा तो आगे से मिठाई नहीं मिलेगी, हम कोरा क्लियर कट बोल देते हैं आपको यहां से कि अगर फ्रूट आपका सही होगा तो आपकी मार्केटिंग सही बनेगी, अगर आपकी फ्रूट की कमी में होगी दाग होगा जैसे बाकी पार्टियों का है तो हम भी वही दागी का रेट ही लगाएंगे आपके साथ आगे। तो देख लीजिए ना, ये जमीनों का मसला या उस वक्त जो हालात थे, इन हालात की तरह को किनने रिप्रेजेंट किया? कोई हमें ये कहे इन बातों से अपनी पार्टी डरने वाली नहीं, वी बिलीव इन डिलीवरेंस, काम करने में हम यकीन रखते हैं और हमें उम्मीद है अपनी पार्टी जो है। बात में कहूँगा शायद कोई मुझे ये कहे अरे अल्ताफ साहब आ गए या कौन नया बंदा आ गया, रहेगा लीडरशिप के बारे उनसे सवाल कीजिए। जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल हुआ था, जब सारी पार्टियों ने इतिहाद किया था हम हुकूमत बनाएंगे, उस हुकूमत का सरबरा इन्होंने किसको नामजद किया था याद है किसी को? अल्ताफ साहब। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात थी, फारूक अब्दुल्ला था, उमर था, महबूबा थी, कांग्रेस वाले थे, ये सारे थे, किसके पीछे चले थे? आज इस पर क्या उंगली उठा सकते हैं? भाई बाकी सारे इधर उधम सिंह साहब कहाँ है? उधम सिंह साहब देखिए, जो आज हमारे साथ बानिहाल से जो ये नौजवानों की टीम नसीर साहब की कयादत में यहाँ आई और अपनी पार्टी के साथ ज्वाइन किया, हम नसीर साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपनी पार्टी कमिटेड है इस बात पे जो हिली एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए अपनी पार्टी ऐसा रोल करना चाहती है ताकि जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरत हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए ताकि ये भी दूसरे आलातों की तरह इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो